नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूँ के आटे की रेसिपी। क्योंकि एक बार अगर इसको देखेंगे ना तो आपको ज़रूर बनाने का मन करेगा। इसको आप 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ कढ़ाई रख लिया गैस पे, उसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल दूँगी। 1 चम्मच इसमें सौंफ, 1 चम्मच इसमें मैं डालूँगी जीरा। अब मैं इसमें 1 चम्मच डाल देती हूँ सफ़ेद तेल। इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा भून करके ले लेती हूँ। भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा इसमें दरदरा मैंने लिया था काली मिर्च को दरदरा कूट करके ले ली, उसको डाल देती हूँ। फिर आधा कप मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी को 1 उबाल आने देती हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक डाल के स्वाद के अनुसार इसमें मैं डालूँगी 1.5 कप मैं इसमें डालूँगी गेहूँ का आटा। डालने के बाद इसको अच्छे से भून करके ले लेना है। पानी एकदम सूख जाना चाहिए। तो देखिए मैंने भून करके ले लिया, इसको गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। इसको ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। खोलने के बाद देखती हूँ तो अभी ये देखिए एकदम से सूख गया है। पानी अच्छे से भून करके हो गया है। उसको एक बर्तन में मैंने निकाल लिया है तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके। 1 चम्मच में हल्दी पाउडर डाल दूँगी। मैंने यहाँ ले लिया है आलू। आलू को मैं इसमें अच्छे से कद्दूकस करके ले लेती हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा सामान डाल सकते हैं। अब मैंने आलू को कद्दूकस करके ले लिया है। इसी के साथ मैं इसको गूंथ करके ले लेती हूँ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि आलू में पहले से ही मॉइस्चर रहता है। आलू से ही एकदम अच्छे से गूंथ करके आटा हो जाएगा। इसको एकदम टाइट डो में गूंथ करके ले लेने का है। तो यहाँ मैंने ले लिया है गूंथ करके। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। इसको टाइट ही डो में गूंथना है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ एक पेड़े जैसा इसको बना करके बड़े साइज़ में ले लिया है। अब इसको मैं बेल अपने साइज़ के हिसाब से बेलूँगी। इसको जितना हो सके आप पतला एकदम बेल करके ले लेने का है। तो इसको पहले मैं अच्छे से पूरा बेल लेती हूँ। बड़े साइज़ में अच्छे से बेलना है। इसी तरह से इसको बेलते रहने का है क्योंकि इसको चारों तरफ से पूरा अच्छे से बेल करके ले लेने का ताकि कहीं मोटा पतला न रहे। अब मैंने इसको अच्छे से बेल करके ले लिया। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो लंबे लंबे साइज़ में मैं इसी तरह से कट करूँगी। तो मेरा वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अब इसी तरह से सारा कट करके मैं ले लेती हूँ। जो किनारे किनारे का जो शेप अच्छे से नहीं आया उसको मैं निकाल देती हूँ। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल करके ले लेती हूँ। ये एक पैक भी रख सकते हैं, इसमें ये चिपकता बिल्कुल नहीं है। अभी हम गैस की तरफ चलेंगे। अभी गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। तेल को एकदम धीमी आंच पे ही पकाने का है। तेल एकदम से नहीं गर्म करना है। अब इसको इसी तरह डालते हुए दोनों साइड से पलटते पलटते हुए अब इसको एकदम गोल्डन ब्राउन करके ले लेने का है फ्राई। जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन फ्राई करके ले लिया। इसको आप बनाने के बाद चार से पाँच दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। बच्चे लोग को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये क्रंची बना हुआ है। आप भी ज़रूर बना के खाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।